Hello friends, my name is Chintan Joshi. In this session, I am going to teach four center method. Four center method is generally used to draw a circle in isometric horizontal plane and isometric vertical plane. This method is also known as approximate method. So, without wasting any time, let us take a glance at the given data. It is provided that draw the isometric view of a circle having 100 mm diameter. हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 100 मिलीमीटर के डायमीटर वाला जो सर्कल है उसका हमें isometric view draw करना है isometric vertical plane और isometric horizontal plane के लिए. तो सबसे पहले हम top view के लिए बात करेंगे. तो top view कहाँ पर पड़ता है? Horizontal plane के अंदर पड़ता है. तो हम सबसे पहले isometric horizontal प्लेन ड्रॉ करेंगे. तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ये वाली इंक्लाइंड लाइन आएगी वो 30 डिग्री के एंगल पर आएगी. सिमिलरली ऑपोजिट साइड की जो ये इंक्लाइंड लाइन है वो भी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे आएगी. अब लेंथ की बात की जाए तो वो सर्कल के डायमीटर पर डिपेंड करता है. सपोज आपको बताया गया है कि 30 mm वाला डायमीटर का सर्कल है, उसके लिए हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर जो लेंथ रहेगी वो 30 mm की आएगी. लेकिन हमारे केस में 100 mm डायमीटर वाले सर्कल के लिए हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे, ये चार जो साइड लेंगे उसकी लेंथ हमें 100 mm की लेनी है. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, ये जो चार साइड है उसके हमें मिड पॉइंट लोकेट करने हैं. तो क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस हमें पता है कि 100 mm का है, तो हम हर एक कॉर्नर से 50-50 mm के डिस्टेंस पे मार्किंग ले लेंगे. उसके बाद क्या करना है, उसका नाम दे देना है कि ये जितने भी मिड पॉइंट्स है उसको हम नाम देंगे ए बी सी और डी. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके ये जो दो कॉर्नर के पॉइंट है उसको हमें हाईलाइट करना है. हाईलाइट क्यों करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता चलेगा. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर था उसको हमने ए और बी के साथ कनेक्ट किया, जिसकी वजह से हमें ये दो इंक्लाइंड लाइन मिल रही है. ये सेम प्रोसीजर हमें इस वाले कॉर्नर से भी करनी है. तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर को डी के साथ कनेक्ट करेंगे और सी के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें दो इंक्लाइंड लाइंस मिल जाएगी. अब यहां पर और दूसरी जगह पर यहां पर हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं. तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल चार पॉइंट्स अवेलेबल हैं, उसको हम नाम दे देते हैं. नीचे वाला पॉइंट एक नंबर का आएगा, दो नंबर का पॉइंट अपर डायरेक्शन के अंदर आएगा, और ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको हमने तीन और चार नाम दे दिए हैं. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 1-2A रेडियस कंपास के अंदर लेंगे, एक नंबर के पॉइंट को हम सेंटर में रखेंगे और आर्क लगाएंगे. आर्क हमारा ए टू बी डायरेक्शन का आएगा. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 2-2C रेडियस लेंगे, दो नंबर को सेंटर में रख के आर्क लगाएंगे, कहां तक, सी टू डी आर्क मिले तब तक. उसके बाद हमें क्या करना है, 4-2C रेडियस लेनी है, फोर को सेंटर में रख के आर्क लगाना है, वो जो आर्क बनेगा वो पॉइंट बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा. ये वाली प्रोसीजर ऑपोजिट साइड पे भी करनी है. हम क्या करेंगे, 3-2D रेडियस लेंगे कंपास में, पॉइंट नंबर तीन को सेंटर में रखेंगे और आर्क लगा लेंगे, तो वो ईडी वाला आर्क आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि जो 100 mm डायमीटर का सर्कल है उसका हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करें पर्टिकुलरली टॉप व्यू के लिए, तो वो स्क्वीज होके ऐसे एलिप्टिकल शेप में बन जाता है. अब देखते हैं कि टॉप व्यू की जगह पर हमें फ्रंट व्यू के अंदर 100 मिलीमीटर डायमीटर वाला सर्कल बनाना है, तो कैसे बनाएं? तो उसके लिए हमें प्रोसीजर सेम रिपीट करनी पड़ेगी. हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम यहां पर ये रोम्बस बनाते हैं. जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, लेंथ कितनी रहेगी, 100 mm की ही रहेगी. लेकिन चेंज कहां पर आ रहा है, यहां पर चेंज आ रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो आपको वर्टिकल लाइन लेनी है, यानी कि
हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और बाकी ये जो लाइन रहेगी जेड वाई वो वाली 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे आएगी। बाकी की जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारे रोम्बस की चार साइड है उसका हम मिड पॉइंट लोकेट कर देंगे। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 50-50 एमएम का ग्रेजुएशन लगा देंगे चारों साइड पे, जिसकी वजह से हमें मिड पॉइंट मिल जाएंगे, और उसको नाम दे देना है पॉइंट ए बी सी और डी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, ये जो दो कॉर्नर हमारे पड़ रहे हैं उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब उस कॉर्नर को हमें ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, मतलब कि वाई वाले कॉर्नर की बात की जाए तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी आएगी, ये वाली एक वर्टिकल लाइन आएगी और ये इंक्लाइंड लाइन आएगी। तो हमें यहां पर दो इंक्लाइंड लाइन मिल रही है, ए वाई और बी वाई। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को हम सी और डी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें और दो इंक्लाइंड लाइन मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हो रहा है, उसके अलावा यहां पर भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। सबको नाम दे देते हैं, तो नाम हमने क्या दे दिए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4। प्रोसीजर हमारी सेम रहेगी, हम क्या करेंगे 1, 2, A कंपास में रेडियस लेंगे, पॉइंट नंबर 1 को हम सेंटर में रख के आर्क लगा लेंगे, ए टू बी वाला आर्क। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 2, 2, C रेडियस लेंगे, पॉइंट नंबर 2 को सेंटर में रख के आर्क लगा लेंगे सी टू डी वाला आर्क। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं 3, 2, A रेडियस लेनी है, पॉइंट नंबर 3 को सेंटर में रख के ईडी वाला आर्क लगा देना है। लास्ट में हम क्या करेंगे 4, 2, B रेडियस लेंगे, पॉइंट नंबर 4 को सेंटर में रख के सीबी वाला आर्क लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 100 mm डायमीटर वाले सर्कल को फ्रंट व्यू के लिए हम आइसोमेट्रिक वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करें तो हमें यहां पर एक स्क्वीज हुआ एक सर्कल मिलेगा, यानी कि एलिप्टिकल शेप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दी गई है, उसमें आपको जाके क्लिक करना है और उसके अंदर आपको इस टॉपिक के साथ अफिलिएटेड कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।